इस महीने भी कुछ नई एंट्रीज हुई हैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी की लिस्ट में, जो बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल, जहां पर हम कारों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं 25th पोजीशन पर आने वाली स्कोडा कुशाक के साथ। 1157 यूनिट्स बिके हैं मई 2024 में। ये भारत की सेफेस्ट एसयूवीज में शुमार होती है। ये केवल टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस में ही आती है। 1 लीटर और 1.5 लीटर प्राइस शुरू होती है 11,99,000 रुपए से, और टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस 20,49,000 रुपए तक जाती है। रिसेंटली स्कोडा ने अपनी सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया है। 24 पोजीशन पर होंडा की एलिवेट। 1553 यूनिट बिके हैं मई 2024 में। एक मिड साइज एसयूवी है, काफी अच्छा बिक रही है मार्केट में। लास्ट मंथ 1731 यूनिट बिके थे अप्रैल में। होंडा एलिवेट की बात की जाए तो बजट में एक अच्छी एसयूवी है, जहां पर आपको केवल पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन में। 11,73,000 रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है और 16,57,000 रुपए तक जाती है। 23rd पोजीशन पर फॉक्सवैगन टाइगन। भारत की सेफेस्ट एसयूवीज में शुमार होती है। 1561 यूनिट बिके हैं इसके मई 2024 में। अगर हम लास्ट मंथ की बात करें यानी के अप्रैल की, तो वहां पर इसके 1758 यूनिट्स बिके थे। सेल्स थोड़ी कम हुई है इस महीने, लेकिन बड़े अपडेट मिल गए हैं। टाइगन में अब 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया है और 11,70,000 रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 20 लाख रुपए तक जाती है। इसके बाद 22 पोजीशन पर टाटा की हैरियर। 1625 यूनिट बिके हैं मई में। लास्ट मंथ अप्रैल में टाटा हैरियर के 1746 यूनिट बिके थे। टाटा हैरियर मिड साइज एसयूवी है, 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है। ये भारत की सेफेस्ट एसयूवी है। टाटा हैरियर की प्राइस 15,49,000 रुपए से शुरू होती है, 26,44,000 रुपए तक जाती है। ये केवल डीजल इंजन ऑप्शन में ही आती है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसके बाद टाटा की सफारी 21 पोजीशन पर 1661 यूनिट के साथ में। लास्ट मंथ टाटा सफारी की 1716 यूनिट बिके थे। टाटा सफारी 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है, डीजल वर्जन मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 16,19,000 रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है और 27,34,000 रुपए तक जाती है। ये भी भारत की सेफेस्ट एसयूवी है। 20 पोजीशन पर आई है MG Hector। 1906 यूनिट बिके हैं। MG Hector की बात करें तो 5, 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाती है। रिसेंटली इसमें ब्लैक स्ट्रॉम एडिशन लॉन्च किया। MG Hector की प्राइस 13,99,000 रुपए से शुरू होती है और 7 सीटर वर्जन के लिए टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस जाती है 22,88,000 रुपए तक। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में। 19 पोजीशन पर टोयोटा अर्बन क्रूजर टेसर। 2180 यूनिट्स बिके हैं। फ्रॉन्क्स का ही रिबैच वर्जन आप कह सकते हो टोयोटा की तरफ। अप्रैल के महीने में ये नहीं थी और अब इसकी मई में काफी अच्छी सेल्स हो गई है। टोयोटा अर्बन क्रूजर ट्रेसर में आपको पेट्रोल के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। 7,74,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 13,04,000 रुपए तक जाती है। 18 पोजीशन पर निसान की मैग्नाइट। 2211 यूनिट्स बिके हैं मैग्नाइट के मई 2024 में। अप्रैल में 2404 बिके थे। एक ही ऑफरिंग है मैग्नाइट निसान की तरफ से। यहाँ पर इसमें कई सारे एडिशन मिल जाते हैं, जैसे गेजा एडिशन मिल जाता है, रेड एडिशन मिल जाता है, कूरो एडिशन मिल जाता है। मैग्नाइट की प्राइस 6 लाख रुपए से शुरू होती है और 11,11,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद टोयोटा की फॉर्च्यूनर। 2422 यूनिट बिके हैं मई में। टोयोटा की फॉर्च्यूनर के अप्रैल में बिके थे 2325 यूनिट। यहां पर फॉर्च्यूनर 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी है, मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्राइस की बात की जाए तो 33,43,000 रुपए से शुरू होती है और 51,44,000 रुपए तक जाती है। 16 पोजीशन पर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर। 3906 यूनिट बिके हैं इस मिड साइज एसयूवी के। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर की बात करें, लास्ट मंथ 3,252 यूनिट बिके थे और यहां पर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 11,14,000 रुपए से शुरू होती है और 20,19,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद महिंद्रा की XUV 700। अब की बार ये टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार से बाहर रही। 5,008 यूनिट बिके हैं और ये टॉप सेलिंग एसयूवी की लिस्ट में 15 पोजीशन पर आई है। लास्ट मंथ अप्रैल में 6,134 यूनिट इसके बिके थे। पेट्रोल और डीजल दोनों में ही आती है। 13,99,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस 26,99,000 रुपए तक जाती है। रिसेंटली इसका एक AX5 सिलेक्ट वेरिएंट लॉन्च किया गया है, जो काफी अफोर्डेबल है और बताया जा रहा है कि इसका बेस वेरिएंट जो MX है, इसके साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जून के महीने में। इसके बाद है महिंद्रा की थार। एक लाइफस्टाइल ऑफरोडर एसयूवी है। महिंद्रा थार के अब मई में 5,750 यूनिट बिके हैं और ये टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार में ऑलरेडी जगह बना चुकी है। अप्रैल में इसके 6,160 यूनिट बिके थे। थार की बात की जाए तो 11,35,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 17,60,000 रुपए तक जाती है। 13 पोजीशन पर किया सेल्टॉस। एक मिड साइज एसयूवी है। किया सेल्टॉस के 6,000
736 यूनिट बिके हैं मई 2024 में और ये 13 पोजीशन पर आ गई है। किया सेल्टॉस की बात की जाए अप्रैल में तो यहाँ पर इसके 6734 यूनिट बिके थे। एक टाइम था जब सेल्टॉस की 10 से 12000 यूनिट भी आसानी से बिक जाया करती थी। 1090000 रुपये से इसकी प्राइस शुरू होती है और 2035000 रुपये तक जाती है। इसके बाद किया सोनेट 12 पोजीशन पर 7433 यूनिट बिके हैं। किया सोनेट के लास्ट मंथ अप्रैल की बात की जाए तो 7901 यूनिट बिके थे। सोनेट की रोड प्रेजेंस काफी शानदार है। अगर आप इसका मिड वेरिएंट लेते हैं तो एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो, और साथ ही साथ देखा जाए तो 7,99,000 रुपए की प्राइस पर ये शुरू हो जाती है इसकी प्राइस, और 15,75,000 रुपए तक जाती है। यानी कि 12 से 15 लाख रुपए के बीच में बजट है, 100 मीटर एसयूवी लेना चाहते हैं फीचर लोडेड, तो किया सोनेट एक शानदार ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसके बाद ह्यूंडई की एक्स्टर 11 पोजीशन पर 7697 यूनिट बिके हैं। ह्यूंडई एक्स्टर के लास्ट मंथ अप्रैल की बात की जाए तो 7756 बिके थे। एक्स्टर की प्राइस 6,13,000 रुपए से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट के लिए 10,28,000 रुपए तक जाती है। इसमें आपको पेट्रोल के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आई है महिंद्रा की बुलेरो। महिंद्रा बुलेरो के 8026 यूनिट बिके हैं। इसमें बुलेरो और बुलेरो नियो दोनों ही आते हैं। लास्ट मंथ महिंद्रा बुलेरो के 9537 यूनिट बिके थे। बुलेरो की प्राइस 9,98,000 रुपए से शुरू होती है, 10,91,000 रुपए तक जाती है। वहीं बुलेरो नियो की प्राइस 9,95,000 रुपए से शुरू होती है और 12,16,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद ह्यूंडई की वेन्यू 9 पोजीशन पर आई है टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी में। 9,327 यूनिट बिके हैं ह्यूंडई वेन्यू के मई में, और अप्रैल की बात की जाए तो 9,120 बिके थे। ह्यूंडई वेन्यू एक अच्छी 100 मीटर एसयूवी है फीचर लोडेड, बजट में 7,94,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है और 13,48,000 रुपए तक जाती है। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसके अलावा इसका एक एनलाइन वर्जन भी आता है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन है। यहाँ पर आपको 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मैनुअल और डीसीटी ट्रांसमिशन में मिलता है। 12,08,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है और 13,90,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 9736 यूनिट बिके हैं और ये 8th पोजीशन पर आ गई है। ये एक मिड साइज एसयूवी है। 10,87,000 रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है, 19,97,000 रुपए तक जाती है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की बात की जाए तो अप्रैल में इसकी सेल्स थी 7,651 यूनिट्स। इसके बाद महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को लॉन्च कर दिया गया, काफी अच्छी सेल्स इसकी हो रही है। 10,000 यूनिट बिके हैं, 7th पोजीशन पर आ गई है। 7,49,000 रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 15,49,000 रुपए तक जाती है। 6th पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन। 11,457 यूनिट बिके हैं मई 2024 में। अप्रैल में नेक्सॉन के 11,168 यूनिट बिके थे। पिछले साल ही लगातार नंबर 1 बेस्ट सेलिंग एसयूवी बनी रही थी और अभी खिसक करके ये 6th पोजीशन पर आ गई है। इसमें पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। रिसेंटली एक मोस्ट अफोर्डेबल बेस वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है 8 लाख रुपए की प्राइस पर। टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस जाती है 15,80,000 रुपए तक। वहीं जो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आता है उसकी प्राइस 14,49,000 रुपए से शुरू होती है और 19,49,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स मई में इसके 12,681 यूनिट्स बिके हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में 14,286 बिके थे। सेल्स कम हुई है मई के महीने में, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक बजट फ्रेंडली काफी शानदार ऑप्शन है पेट्रोल और सीएनजी के साथ में। 7,51,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 13,04,000 रुपए तक जाती है। इसमें आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल का भी इंजन ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आई है अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो। महिंद्रा स्कॉर्पियो के मई में 13,717 यूनिट्स बिके हैं। अगर अप्रैल में देखा जाए तो 14,807 यूनिट्स बिके थे। इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक जो आती है उसकी प्राइस 13,62,000 रुपए से शुरू होती है, 17,42,000 रुपए तक जाती है। ये केवल डीजल वर्जन में आती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। वहीं स्कॉर्पियो एन आती है पेट्रोल और डीजल दोनों में ही, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में। काफी अच्छी सेल्स हो रही, रोड प्रेजेंस अच्छी है, इंटीरियर काफी शानदार दिया हुआ है। प्राइस शुरू होती है 13,85,000 रुपए से और टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस जाती है 24,54,000 रुपए तक। इसके बाद मारुति सुजुकी ब्रेजा 3rd पोजीशन पर 14,186 यूनिट बिके हैं मई 2024 में। मारुति सुजुकी ब्रेजा की बात की जाए तो अप्रैल में 17,113 यूनिट्स बिके थे। अभी यूनिट्स कम बिके हैं इस महीने। देखा जाए तो पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी अवेलेबल है और ये काफी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर 8,34,000 रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है, 14,14,000 रुपए तक जाती है। लगातार कई महीने से इसकी प्राइजेस यही है, प्राइजेस नहीं बढ़ाई गई है। सेकेंड पोजिशन पर आई है ह्यूंडई की क्रेटा। 14,662 यूनिट बिके हैं मई 2024 में। क्रेटा के लास्ट मंथ अप्रैल में 15,447 यूनिट बिके थे। पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ ही साथ टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। 11 लाख रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 20,15,000 रुपए तक जाती है। मिड साइज एसयूवी है और मिड साइज एसयूवी में नंबर 1 पोजीशन पर आती है।
यहाँ पर देखा जाए तो इसका एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन क्रेटा एन लाइन आता है, जो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में मिलता है मैनुअल और डीसीटी ट्रांसमिशन में। यहाँ पर इसकी प्राइस 16,82,000 रुपए से शुरू होती है और 20,45,000 रुपए तक जाती है। नंबर वन पोजीशन पर आई है टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी की लिस्ट में टाटा पंच। टाटा पंच के 18,949 यूनिट बिके हैं। ये पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है। टाटा पंच के लास्ट मंथ 19,158 यूनिट बिके थे अप्रैल में, और मई में इसकी सेल्स थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर वन बेस्ट सेलिंग एसयूवी बनी हुई है। पेट्रोल सीएनजी वर्जन के लिए प्राइस 6,13,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 10,20,000 रुपए तक जाती है। वहीं जो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आता है उसकी ओवरऑल जो डिजाइनिंग है वो चेंज है, एक्सटीरियर में काफी अपडेट किए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो रोड प्रेजेंस के मामले में पंच ईवी काफी अच्छी लगती है। 10,99,000 रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 15,49,000 रुपए तक जाती है। तो ये थी टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज। इससे पहले टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार का वीडियो बना दिया है और सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स कौन से हैं उसकी जानकारी भी हमने आपको ऑलरेडी दे दी है।